तो बड़ी खबर, ईडी ने कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू को हेमंत सोरेन के मामले में पूछताछ के लिए बुलाया है। आपको बता दें कि हेमंत सोरेन के दिल्ली आवास से जो बीएमडब्ल्यू कार ईडी ने जब्त की थी, वो कार धीरज साहू के नाम पे रजिस्टर्ड है और इसी मामले को लेकर के ईडी ने एक बार फिर धीरज साहू को समन भेजा और उन्हें अब इस पूरे मामले की पूछताछ के लिए बुला लिया गया है। तो कांग्रेस सांसद धीरज साहू से अब पूछताछ करेगी ईडी। एक बार फिर हेमंत के घर पर मिली थी धीरज साहू की कार, धीरज साहू के नाम से वो कार रजिस्टर्ड थे, इस्तेमाल हेमंत सोरेन किया करते थे। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, धीरज साहू को ईडी ने पूछताछ के लिए बुला लिया है, एक बार फिर ईडी करेगी पूछताछ। तो झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के दिल्ली वाले घर से ईडी ने जो बीएमडब्ल्यू जब्त की थी, वो कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के नाम पर रजिस्टर्ड है। उनके घर का जो पता है वो रजिस्टर्ड है। तो मानेसर के घर का पता के पते पर ये कार रजिस्टर्ड थी, यानी वो कार धीरज साहू की थी जो हेमंत सोरेन के घर से मिली थी। यही वजह है कि ईडी ने उन्हें भी तलब किया है। दिल्ली वाले घर से ईडी ने कुछ कैश जब्त किया था, उसके साथ ही एक बीएमडब्ल्यू कार भी उन्होंने सीज की थी और कांग्रेस के राज्यसभा सांसद की है वो कार, धीरज साहू की वो कार है। और जब उस कार की जांच की गई तो पता चला कि ये कार उनके नाम पर रजिस्टर्ड है, जो उनका घर मानेसर में है उसके पते पर ये कार रजिस्टर्ड थी। और जितेंद्र शर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। बिल्कुल जितेंद्र, इस पूरे मामले को लेकर के क्या अपडेट, क्योंकि अब दोनों के कनेक्शन जुड़ते नजर आ रहे हैं, गाड़ी किसी और के नाम पर रजिस्टर्ड, इस्तेमाल कोई और किया करता था। ये 29 जनवरी को जब ईडी ने हेमंत सोरेन के दिल्ली वाले घर पर छापेमारी की थी, तो वहां से एक नीले रंग की बीएमडब्ल्यू कार जब्त की थी। ये बीएमडब्ल्यू कार धीरज साहू, जो कि कांग्रेस के राज्यसभा सांसद है, उनके मानेसर, हरियाणा के जो मानेसर है, वहां पर जो उनका घर है उस पते पर ये कार रजिस्टर थी, लेकिन इसका इस्तेमाल हेमंत सोरेन कर रहे थे। धीरज साहू वही व्यक्ति हैं जिनके यहाँ पर इनकम टैक्स ने दिसंबर में छापेमारी की थी, उनसे जुड़े हुए ठिकानों पर रांची में और उड़ीसा के बालांगीर में, तो 352 करोड़ रुपए की नकदी इनके पास से बरामद हुई थी। रांची में जो इनका घर है छोटा नागपुर इलाके के अंदर, वहां पर भी इनकम टैक्स ने छापेमारी की थी। तो ईडी का मानना है कि इनका आपस में क्या कनेक्शन है, इसके बारे में जानना जरूरी है कि क्यों धीरज साहू के पते पर रजिस्टर कार हेमंत सोरेन के घर से बरामद हुई, क्योंकि अवैध खनन मामले को लेकर के भी ईडी जांच कर रही है। और जिस जगह पर ये रजिस्टर थी और जिस पते पर रजिस्टर थी, उसका कहीं ना कहीं माइनिंग से भी कनेक्शन जुड़ा हुआ है। और धीरज साहू के घर के पर रजिस्टर होने की कार कहीं ना कहीं दोनों के बीच में कनेक्शन बताता है, और इसीलिए 10 फरवरी को धीरज साहू को ईडी ने पूछताछ के लिए दिल्ली में बुलाया है। जी शुक्रिया जितेंद्र ये अपडेट पहुंचाने के लिए। तो बड़ी खबर, Zini